हेलो गाइस, मैं हूं अभीहा इंतखाब, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, 18 जून को ही आया है, शनिवार दोपहर में रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, उनको मेरी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं। लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए हैं या तो फिर वो फेल हो गए हैं। कितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या एक सब्जेक्ट में फेल हुए या दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो इस पर क्या प्रोसेस है? क्या उनका साल वेस्ट जाएगा या वो अपने नंबर बढ़वा सकते हैं या वो कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं? इन सब पे आज बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, आपने स्क्रूटनी शब्द के बारे में सुना होगा। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आपकी कॉपियां दोबारा से चेक होती हैं। जो आपकी कॉपियां चेक हुई थी उससे आपको मार्क्स मिले थे, लेकिन स्क्रूटनी आप करवाना चाहते हैं, आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको यूपी बोर्ड एक मौका देता है कि आप स्क्रूटनी करवा लीजिए, अपनी कॉपी आप खुद देख लीजिए कि आपकी कॉपी सही चेक हुई है या नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन मुझे सही मार्क्स नहीं मिले, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है स्क्रूटनी का ऑप्शन है यूपी बोर्ड की तरफ से। तो देखिए, यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ चुका है 18 जून को, ठीक है। तो स्क्रूटनी का फॉर्म भी आपका 12 जुलाई तक ही भरा जाएगा, ठीक है। स्क्रूटनी का फॉर्म आपका ऑनलाइन भी भरा जाएगा, तो 12 जुलाई तक ही स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा। आप अपनी कॉपी निकलवा के चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको सही मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। आप चाहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन जो एग्जामिनर थे उन्होंने कॉपी चेक की, उन्होंने मुझे मार्क्स बहुत कम दिए, तो स्क्रूटनी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा और क्या लिखा था और कैसे आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो स्क्रूटनी का फॉर्म 12 जुलाई तक आपका भरा जाएगा, जो बच्चे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा कौन सी वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट मैम बताइए। तो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी upmsp.edu यानी कि education.in, ठीक है, upmsp.edu.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी यूपी बोर्ड की, जहां से आप जाके स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट का बहुत ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। प्रति प्रश्न पत्र ₹500 लगेंगे। देखिए, आप जितनी भी कॉपीज निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी आप निकलवा रहे हैं उसके लिए आपको ₹500 पे करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्री में स्क्रूटनी नहीं होती आपकी, यूपी बोर्ड ₹500 लेता है आपके एक कॉपी को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, एक सब्जेक्ट की कॉपी को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए ₹500 लेता है। 12 जुलाई तक ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रति प्रश्न पत्र ₹500 लगेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड का आपने एग्जाम दिया 10th में, आप फेल हो जाते हैं, आप अगर हिंदी को छोड़ के किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको तो पास कर दिया जाएगा, लेकिन हिंदी को छोड़ के आप दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देनी पड़ती है। कंपार्टमेंट परीक्षा में क्या होता है, आपको देखिए 33% से कम अंक अगर आते हैं आपके किसी भी दो विषय में हिंदी को छोड़ के तो आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन अगर दो विषय से ज़्यादा विषयों में आप फेल होते हैं, तीन विषय में फेल होते हैं, तो आपको फेल ही माना जाएगा, ठीक है, आपको कोई परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप हिंदी को छोड़ के किसी एक विषय में फेल होते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप दो विषय में फेल होते हैं हिंदी को छोड़ के तो आपको कंपार्टमेंट परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक और मौका आपको दिया जाएगा। अभी इसके फॉर्म के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन बहुत उम्मीद है जून में ही इसका फॉर्म आ जाएगा, तो जैसे ही इसका फॉर्म आएगा उसके बारे में भी हम इन्फॉर्म करेंगे आपको, तो ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, परीक्षा के बारे में बता दी, स्क्रूटनी के बारे में बता दिया। देखिए, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, वीडियो पूरा रिपीट करवा देती हूँ आपका जल्दी से, कि 18 जून तक ही स्क्रूटनी का फॉर्म है। स्क्रूटनी क्या है, आप अपने नंबर से अगर संतुष्ट नहीं है तो यूपी बोर्ड आपको एक मौका देता है कि आप अपनी कॉपी निकलवा सकें, ठीक है। स्क्रूटनी का फॉर्म आपका 12 जुलाई तक ही भरा जाएगा। प्रश्न पत्र यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र का ₹500 लगेगा। 18 जून को जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया उसके बाद बहुत से बच्चों के मार्क्स कम हैं या फेल हैं, तो उनके सामने कुछ ऑप्शंस रखे गए यूपी बोर्ड की तरफ से। स्क्रूटनी फॉर्म 12 जुलाई को लास्ट डेट है, यानी कि 12 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 12 जुलाई तक, ठीक है, 12 जुलाई से नहीं, 12 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप इस
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। ₹500 आपको प्रति विषय का यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। कंपार्टमेंट परीक्षा क्या है, अगर आप हिंदी छोड़ के दो विषयों में फेल हो जाते हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आप हिंदी छोड़ के तीन विषयों में फेल हो जाते हैं तो आप फेल ही माने जाते हैं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि फिर से आपको हाई स्कूल ही पढ़ना पड़ता है। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मार्क्स कम हैं या आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कंपार्टमेंट परीक्षा का जो फॉर्म है वो अभी तक नहीं है, मैं फिर से बता दूं, कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म नहीं आया है। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू बच्चों।